नमस्कार दोस्तों, जीके अर्जुन सर यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर स्वागत है। मिशन टीजीटी परीक्षा नागरिक शास्त्र या सिविक्स जो 8 या 9 मार्च को निर्धारित की गई एग्जाम, उसके लिए ये वीडियो जो है रिवीजन के लिए अपलोड किया हूँ, ताकि आप लोगों को डिजिटल के माध्यम से रुचि बढ़ी रहे और आप लोग जो है कहीं भी किसी भी समय आप इसको जो है रिवाइज या रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें है, विधानसभा में किसी दल के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर निम्नलिखित में से किसने प्रतिबंध लगाया? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, संविधान का 52वां संशोधन। क्वेश्चन नंबर दो, निम्नलिखित में से कौन सा पद केवल संसदात्मक शासन प्रणाली में ही पाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर तीन, जॉन लॉक ने अपने चिंतन में निम्न में से किसको एक प्राकृतिक अधिकार स्वीकार नहीं किया है? इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, समानता। क्वेश्चन नंबर चार, संसदात्मक शासन प्रणाली में वैधानिक संप्रभु कौन होता है? इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, संसद। क्वेश्चन नंबर पांच, किस संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था हुई कि किसी मंत्रिमंडल में मंत्रियों की कुल संख्या सदन के कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, 91वां संविधान संशोधन। 91वां संविधान संशोधन द्वारा जो व्यवस्था की गई थी। क्वेश्चन नंबर छह, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत यह उपबंधित है कि निर्वाचक नामावली धर्म, मूल वंश, जाति या लिंग के आधार पर तैयार नहीं की जाएगी? इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 29। क्वेश्चन नंबर सात, भारतीय संविधान के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में आहूत होती है? इसका आंसर हो जाएगा डी, साधारण विधेयक। क्वेश्चन नंबर आठ, सर्वसम्मति से निर्वाचित भारत के राष्ट्रपति थे? इसका आंसर हो जाएगा सी, नीलम संजीव रेड्डी या एन संजीव रेड्डी। क्वेश्चन नंबर नौ, विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, राष्ट्रपति को। अनुच्छेद 143 के तहत जो है राष्ट्रपति जो है विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से विचार ले सकता है या परामर्श ले सकता है, माने न माने के ऊपर जो है राष्ट्रपति के विवेक पर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 10, हाब्स ने अपने चिंतन में किस प्रकार की शासन प्रणाली को श्रेष्ठ स्वीकार किया है? इसका आंसर हो जाएगा अधिक नायक तंत्र। क्वेश्चन नंबर 11, वेल्थ ऑफ नेशंस किसकी रचना है? इसका आंसर हो जाएगा बी, एडम स्मिथ की। क्वेश्चन नंबर 12, किसी राजनीतिक विचारक ने आधुनिक काल में राज्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, मैकियावेली। क्वेश्चन नंबर 13, विकासशील देशों के अल्प विकास का कारण है, क्या कारण है इसका? इसका आंसर हो जाएगा आपका इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 14, मनु ने अपने ग्रंथ में राज्य संचालन के नियमों की संहिता को निम्न में से किस संज्ञा में व्यक्त किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका नीति विज्ञान में। क्वेश्चन नंबर 15, अर्थशास्त्री नामक कौटिल्य की रचना किस विषय से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, राजनीति विज्ञान से। क्वेश्चन नंबर 16, इंग्लैंड में गांधी जी निम्न में से किस उदारवादी नेता से भेंट हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, दादा भाई नौरोजी। क्वेश्चन नंबर 17, पूर्ण स्वराज की मांग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, लाहौर अधिवेशन, 1929 में हुआ था ये अधिवेशन। क्वेश्चन नंबर 18, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था?
तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी 5 मार्च 1931 को। क्वेश्चन नंबर 19, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में नेहरू जी ने किस प्रणाली को प्रारंभ किया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए संसदीय प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 20, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक निम्न में से किसने लिखी? तो ये जो है जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 21, जयप्रकाश नारायण ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाने का सुझाव दिया? इसका जो रहेगा दल विहीन लोकतंत्र। क्वेश्चन नंबर 22, राजनीति विज्ञान शक्ति की रचना और भागीदारी का अध्ययन है यह परिभाषा किसने दी? इसका आंसर हो जाएगा बी लासवेल व केपलान। क्वेश्चन नंबर 23, हाफ्स के अनुसार मानव स्वभाव से क्या है? स्वार्थी तथा झगड़ालू होता है। क्वेश्चन नंबर 24, रूसो द्वारा प्रतिपादित सामान्य इच्छा के सिद्धांत में संप्रभुता का कौन सा स्वरूप प्रकट होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी जन संप्रभुता। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से किस लेख के अनुसार शक्ति बंदूक की नली से निकलती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी माओ तस्ये तुंग। क्वेश्चन नंबर 26, लासेज फेयर का अभिप्राय है? इसका आंसर होगा सी व्यक्ति को अकेला छोड़ दो। क्वेश्चन नंबर 27, बहुवाद का समर्थन निम्न में से किस विचारक ने किया? इसका आंसर हो जाएगा बी लास्की। क्वेश्चन नंबर 28, संपत्ति के अधिकार की मांग किसने की? इसका आंसर हो जाएगा बी उदारवाद ने। क्वेश्चन नंबर 29, अधिकारों का महत्व केवल कर्तव्यों के संसार में ही होता है यह किसका कथन है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी वाइल्ड का। क्वेश्चन नंबर 30, जहां कानून नहीं वहां स्वतंत्रता नहीं यह कथन निम्न में से किसका है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए जान लॉक का। क्वेश्चन नंबर 31, समाजवादी विचारक का संबंध है इसका आंसर हो जाएगा बी आर्थिक समानता से। क्वेश्चन नंबर 32, कानून संप्रभु का आदेश है यह कथन किसका है? इसका आंसर हो जाएगा ए जॉन ऑस्टिन का। क्वेश्चन नंबर 33, कानून का सर्वमान्य श्रोता है? इसका आंसर हो जाएगा विधान मंडल। क्वेश्चन नंबर 34, प्रतिनिधात्मक शासन पर विचार लेखक ग्रंथ के लेखक का नाम है? तो इसका आंसर हो जाएगा जेएस मिल। क्वेश्चन नंबर 35, 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति किस देश में हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा बी इंग्लैंड में। क्वेश्चन नंबर 36, कर्तव्यों के उचित क्रम निर्धारण का नाम नागरिकता है, नागरिकता की उपयुक्त परिभाषा किसकी है? तो इसका आंसर हो जाएगा विलियम बायट की। क्वेश्चन नंबर 37, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है? इसमें आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 38, जनसंख्या में वृद्धि सामाजिक विकास की किस बाधा में आती है? इसका आंसर हो जाएगा सामाजिक बाधा। क्वेश्चन नंबर 39, लोक प्रशासन का संबंध किससे है? इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 40, लोक प्रशासन को अध्ययन विषय के रूप में प्रारंभ करने का श्रेय किसे प्राप्त है? तो इसका आंसर हो जाएगा बुड्रो विल्सन को। क्वेश्चन नंबर 41, लोक प्रशासन में लोक शब्द का तात्पर्य है? इसका आंसर हो जाएगा ए जनता। क्वेश्चन नंबर 42, नवीन लोक प्रशासन मुख्यतः संबंध है? इसका आंसर होगा आपका डी लोक प्रशासन के मानवीय अभिमुखन से।
क्वेश्चन नंबर 43, कौन सी सत्ता प्रतियोजित नहीं की जानी चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, डी इनमें से कोई नहीं है। क्वेश्चन नंबर 44, भारतीय संसद बजट के लेखा परीक्षण पर अपनी किस समिति द्वारा नियंत्रित रखती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, लोक सेवा समिति। क्वेश्चन नंबर 45, संकट काल में नागरिकों के मौलिक अधिकार, इसका आंसर हो जाएगा सी, स्थगित किए जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, भारत का संविधान निर्मित हुआ था, कब संविधान बना था? इसका आंसर होगा आपका सी, 26 नवंबर 1949 को। क्वेश्चन नंबर 47, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 28 का संबंध है, इसका आंसर होगा आपका बी, धार्मिक आधार पर किसी व्यक्ति को कर देने पर निषेध। क्वेश्चन नंबर 48, सर्वप्रथम किस मार्क्सवादी ने राष्ट्रवाद के अभिमत को स्वीकार किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा स्टालिन। क्वेश्चन नंबर 49, किसने राज्य को एक संप्रभु भू क्षेत्रीय समूह कहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा मैक्स वेबर। क्वेश्चन नंबर 50 दो बार आ गया है इसका भी मैक्स वेबर होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 50 और अंतिम क्वेश्चन है ये, संविधान में राष्ट्रपति को राजभाषा से संबंधित सलाह देने के लिए एक आयोग की नियुक्ति का उपबंध है या किस अनुच्छेद में निहित है? इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 344। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आए तो इसको लाइक करिए, और अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को क्लिक करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं अगला वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।